आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डेटा यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अरिथमेटिक मीन, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा, हम किस तरीके से मालूम करते हैं, जब हम लोग सम ऑफ वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज पर, तो हमारे पास जो मीन आता है जिसे हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, वो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है। हम यहाँ पर जिन वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं वो किस कौन सी हैं, वो हमारे पास हैं अनग्रुप्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा कहते हैं, जो कि इस तरीके से होता है, जैसे हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ में हमारे पास क्या है, ये सिंपल आप देख सकते हैं, नंबर्स हैं कोई भी, हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये सिंपल नंबर्स हैं, इनकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, कि हमने ये नहीं देखा सिंपली कि हमारे पास 40 कितनी बार आ रहा है, 45 या 50 कितनी बार आ रहा है। ये सिंपल नंबर्स हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ पर अपने पास लिख लिया है, हम लोग अलहदा अलहदा ट्रीट कर रहे हैं, हमने क्लासेस नहीं बनाई हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है। तो आज हम जो ये अरिथमेटिक मीन मालूम कर रहे हैं इस डेटा के लिए, वो कौन सा मैथड यूज़ करके, शॉर्टकट मैथड। शॉर्टकट मैथड में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम लोग डेविएशन लेते हैं। डेविएशन किस तरीके से लेते हैं कि इसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास हमारी ये वैल्यूज हैं, जबकि ए क्या है, ए हमारे पास अज्यूम्ड मीन होगा, यानी कि अज्यूम्ड मीन का क्या मतलब, इस ही डेटा सेट में से हम कोई वैल्यू ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरा ए क्या है, मेरा 52 है, तो मैं इसको यूज़ करते हुए मीन कैसे मालूम करूँगी। हमें पता है हमारे पास अरिथमेटिक मीन की जो डेफिनेशन होती है वह है सम ऑफ वैल्यूज़, लेकिन अब वैल्यूज़ मेरे पास क्या है, वैल्यूज़ मेरे पास डी की फॉर्म में है, तो मैं क्या करूँगी, सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ वैल्यूज़, जितनी डेविएशंस बनती हैं उतनी ही वैल्यूज़ हमारे पास, और मैं यहाँ पे सिंपली ऐड कर दूंगी ए को, यानी अपने अज्यूम्ड मीन को, तो जो मेरे पास आएगा उसको हम क्या कहेंगे कि हमारा अरिथमेटिक मीन है, जिसको हमने मालूम किया है किसके ज़रिए, शॉर्टकट मेथड से। इसको हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी तमाम इन वैल्यूज़ को जो है हम लोग ए से माइनस करेंगे 52 से। इसको हम इस तरीके से टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, हमने टेबल की फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पर एक्स वैल्यूज़ हैं। अब हम क्या करें, हमने मीन मालूम करना है, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, जबकि a हम 52 ले रहे हैं, यानी हर x की वैल्यू को हम लोग a में से माइनस कर देंगे। जब हम लोग 40 को माइनस 52 करेंगे, किस तरीके से 40 माइनस 52 करेंगे, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है माइनस 12 आता है। इसी तरीके से 45 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 52 में से, तो हमारे पास माइनस 7 आ जाएगा। हम इसी तरीके से तमाम वैल्यूज़ के लिए इसको निकाल लेंगे, तमाम वैल्यूज़ के लिए हमने इसको निकाल कर लिख लिया है। अब हमें यहाँ पर समेशन चाहिए, सम चाहिए, तो हम इन सबका टोटल कर लेंगे, माइनस 12 माइनस 7 माइनस 2, इन तमाम ये जो हमारे पास डेविएशन डी की वैल्यूज़ आई हैं, इनका हम लोग सम लेंगे, सम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 7। अब इस 7 को हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस जो है फार्मूले में सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, ये हमारे पास आ जाएंगी, यहाँ पर हमने किया 52 प्लस 7, और यहाँ पर हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं, 8 हैं, तो हमने 8 पर इसको डिवाइड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 0.875 आ गया, जब हमने 7 को 8 पर डिवाइड किया और इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आया 52.875। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास हमारा अरिथमेटिक मीन बन गया है, जिसको हमने मालूम किया है किस तरीके से, शॉर्टकट मेथड से। तो आज का हमारा टॉपिक था अरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डेटा यूजिंग शॉर्टकट मैथड।